सुजीत, कल्याण हो। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच सके। आज तुम्हारे चारों भांजे विवाह करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चारों अर्थात भरत का भी? हाँ, भरत भी। कि तुम विवाह का निमंत्रण केवल राम के लिए था, क्या यह बात बहन कैकेयी को ज्ञात है? अवश्य, ये शुभ सूचना हमने अयोध्या भिजवा दी है। विवाह केवल राम का होने वाला था, परंतु ऐसी सुखद परिस्थितियां बनी कि मैंने अपने अन्य पुत्रों का विवाह महाराज जनक और कुशध्वज की पुत्रियों के साथ कराने का निर्णय ले लिया। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। स्थान करो।
भव्य पर यात्रा किसी ने भी नहीं देखी होगी। समझा पाना कठिन है, शब्द ही नहीं है। भव्य वर यात्राएं तो बहुत होंगी, किंतु जिस दिव्यता की अनुभूति इस वर यात्रा को देखकर हो रही, सत्य कहा तुम्हारी सखी ने, शब्द भी नहीं। जितने भी लोग इस वर यात्रा में सम्मिलित हुए, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त देव लोग सम्मिलित हो गया और उनके मध्य में चारों वर इतने सुंदर लग रहे हैं। जो भी उन्हें देखता है ना, उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता है, अद्भुत। किंतु दशरथ नंदन राम, उनकी दिव्यता, उनका अलौकिक सौंदर्य, ऐसा लगता है मानो साक्षात तीनों लोकों के स्वामी स्वयं पधारे। अद्वितीय है वो सीता, अद्वितीय है, क्योंकि उनसे योग केवल कोई और हो ही नहीं सकता है तुम्हारे लिए। आज इस बात की अनुभूति एक बार फिर हो रही है। Nisa, 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 Nisa